डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपके ग्राफिकल स्टडी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन ऑर्डर के लिए। कॉमन ऑर्डर मीन्स व्हाट? लाइक जिसमें आपका जीरो ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, या फिर थर्ड, या फिर किसी भी ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लो या फिर डिफरेंशियल रेट लो, कैसे लिखते हैं। क्योंकि पिछले क्लास जब हुई थी उसके अंदर हम लोग डिफरेंशियल रेट लो के बारे में पढ़ के आ चुके हैं सब अलग अलग चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर बताने की वापस से नीड नहीं है। आई थिंक हम जो बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट लो। उस इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए, मतलब सॉरी, डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे निकालोगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि अब हम कॉमन चीजों पर चलेंगे। कॉमन मीन्स लाइक, इसलिए तो मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था, इस वजह से हम लोग टाइम ले रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी था। और ऐसा नहीं कि बाकी के ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आने वाले सारे ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बट मैंने उसको इसलिए ज़्यादा टाइम दे करके किया आपको, क्योंकि ताकि अगर आपको एक ऑर्डर समझ में आ गया तो बाकी के ऑर्डर के लिए आप खुद कर सकते हो, कैलकुलेशन हो गई या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, कोई डेरिवेशन हो गया। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, इस वजह से घबराने की नीड नहीं है। बट फिर भी किसी को अगर यह नेसेसरी हो कि इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए या फिर किसी भी ऑर्डर के लिए वो डेरिवेशन कैसे करें, तो मैं डेरिवेशन वाला पोर्शन फर्स्ट ऑर्डर में कवर करवा चुका हूं, तो बार बार डेरिवेशन पर जाने की नीड नहीं है अपन को। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके रेट कॉन्स्टेंट है और टाइम का रिलेशन है, उनका जीरो ऑर्डर के लिए, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड रेट लो जीरो के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, या फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, या फिर किसी भी nth ऑर्डर के लिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी बात करने वाले। तो एक कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लो पर फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, और इस nth में सारे ऑर्डर आ जाएंगे, हाफ हो, 3/2 हो, सेकेंड हो, जीरो हो, या थर्ड ऑर्डर हो, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को छोड़ करके, सब क्यों छोड़ करके चल रहा हूं समझ में आएगा अभी। फॉर्मूला क्या है, कॉमन फॉर्मूला, के एन टी इज नथिंग बट 1/(n-1) इंटू 1/(a-x)(n-1)(a)(n-1)(n-1) a-x)(n-1)(1)(a)(n-1). That is the common formula, except n not equals to 1. क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज, ये ध्यान से देखो कि n should not be equals to 1 होना चाहिए, बाकी सब ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला फॉलो होता है एक्सेप्ट दिस वन। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इस फॉर्मूले में आप जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करते हो, n की वैल्यू 1 पुट करते हो, क्या आता है, k1t = 1/(1-1), that becomes 0 means 1, बाकी के टर्म को कुछ भी लिखो, क्योंकि अपने पास में 1/0 इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, मीन्स राइट हैंड साइड के टर्म इनफाइनाइट आ गई, kt = infinite,
दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन. दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो है मेरा के एन टी इक्वल्स टू नथिंग बट 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर एन माइनस 1. यह वाला फॉर्मूला एन इक्वल्स टू 1 को छोड़ करके सबके लिए एप्लीकेबल है. मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, तो घबराने की नीड नहीं है. आप फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर लिखोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर लिखोगे सेकंड के लिए आ जाएगा, वैसे हाफ ऑर्डर के लिए एन बाई टू ऑर्डर के लिए सब के लिए आ जाएगा. बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए कॉमन फॉर्मूला क्या है, के एन टी इक्वल्स टू नथिंग बट 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए टू ए माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर एन माइनस 1. समझ गए बात? अब यहां से देखो इस वाले फॉर्मूले को मैं एक और चीज कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते आए हैं कि जो भी अपना ये टर्म होता है a माइनस एक्स वाला, ये a माइनस एक्स कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t है. और n a क्या था, केवल a, केवल a, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एट t जीरो टाइम मींस इनिशियल कंसंट्रेशन, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन. तो इसी को आप कैसे लिखोगे, के एन टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए, इसको क्या लिखोगे ए टी, क्या लिखोगे ए एट टाइम टी टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन स्मॉल ए क्या है, ए नॉट है, मींस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1. दैट इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल्स टू 1. ऑब्वियसली मैंने चेंज किस में किया, स्मॉल a माइनस एक्स और स्मॉल a में, बाकी चीजें तो सेम रखी है, तो ये भी n इक्वल्स टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बात समझ गया मेरी? तो nth ऑर्डर रिएक्शन चाहे वो जीरो ऑर्डर की हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो, उन सब के लिए, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू, उन सब के लिए आपका जो के टी का रिलेशन आता है वो ये आता है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बात समझ रहे हो मेरी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब मैं यहां पर एक और चीज बताना चाह रहा हूं, दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. देखो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली nth ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि nth ऑर्डर की बात हो रही तो nth ऑर्डर रिएक्शन है ए इन विच योर रिएक्टेंट विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू टी. जब जीरो टाइम है, बार बार बताने की इतनी जरूरत होनी नहीं चाहिए समझाने की, क्योंकि जीरो टाइम पर हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेते आ रहे हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो लेते आ रहे हैं. और टी टाइम के बाद में क्योंकि सेम चीजें चल रही है तो ए माइनस एक्स हो जाता है ये, और ये एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा. और मैंने पहले बोला था कि हाफ लाइफ टाइम फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन वो टाइम होता है जब आपका रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाफ कंज्यूम हो चुकी होती है, या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन हाफ बचती है, दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम. दैट मींस टी इज इक्वल टू टी हाफ पर, टी इक्वल्स टू टी हाफ पर मेरी जो कंसंट्रेशन ए है वो ए बाई टू बचती है, या फिर ए बाई टू कंज्यूम हो चुकी है. कंज्यूम हो चुकी मीन्स वॉट, उसने प्रोडक्ट बना लिया है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ए बाई टू है,
और रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, a माइनस a बाई टू, दैट इज योर a बाई टू ओनली, दैट इज योर a बाई टू ओनली। बात समझ रहे हो मेरी? अब इसके लिए अप्लाई करते हैं, देखो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। देखो फॉर्मूला आपका क्या था, kNt इज नथिंग बट 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस 1। ये था फॉर्मूला। अब देखो हाफ ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, मीन्स t इज इक्वल टू t हाफ पर x की वैल्यू a बाई टू है, x की वैल्यू a बाई टू है, तो पुट करो तो kn, kn क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, t टाइम है और बाकी की चीजें हमको पता है। देखो यहां पर इसको कैसे लिखोगे, ये एक तो वेट अ सेकेंड, कैसे लिखोगे इसको पूरी की पूरी चीज को, के एन टी हाफ इज नथिंग बट, इज नथिंग बट क्या बची हुई चीज, वन अपॉन एन माइनस वन इंटू वन अपॉन ए माइनस एक्स, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितनी है ए बाई टू, तो इसको क्या लिखोगे ए बाई टू टू द पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन। ओके आगे देखो, के एन टी हाफ कितना बचा, हाँ जी वन अपॉन एन माइनस वन एज इट इज रख रहा हूं, ए बाई टू ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकेट के साथ में जाएगा तो टू बाई ए हो जाएगा, की पावर एन माइनस वन, तो इसकी भी पावर एन माइनस वन, इसकी भी पावर एन माइनस वन, बचा क्या माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये चीज समझ में आई यहां तक, क्योंकि मैं अब सारे ऑर्डर का एक साथ चल रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो क्या है आपके लिए के एन टी हाफ इज नथिंग बट, इज नथिंग बट वन अपॉन एन माइनस वन टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन माइनस दिस वन। ओके दिस वन, लुक दिस, लुक एट दिस वन, वन अपॉन एन माइनस वन वन अपॉन सॉरी टू अपॉन, टू अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन टू टू द पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन। यही थी पिछली वाली टर्म, क्या करो एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, के एन टी हाफ इज नथिंग बट वन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि एलसीएम ले लिया आपने और माहिर हो आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, दोनों में सेम ही आ रहा है, दोनों में सेम चीज आ रही है, तो क्या बचेगा ऊपर टू टू द पावर एन माइनस वन माइनस वन माइनस। अब यहां पर क्या है ना कि लाइक दिस इज योर टी हाफ, ओके दिस इज योर टी हाफ, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या करोगे, के को इधर के साइड भेज दो, तो वन अपॉन के एन एन माइनस वन बची क्या है टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज बचेगी। अब यहां पर देखो कैन दैट इज योर रेट कांस्टेंट, दैट इज योर रेट कांस्टेंट फॉर विच रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके और n क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, a इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब यहां पर जो चीज ध्यान से देखने वाली बात है वो क्या है कि पहली बात तो मेरा t हाफ किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करता है, यहां पर मेरे रेट कांस्टेंट के एन है, किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट कांस्टेंट हमेशा और हमेशा सेम रहने वाला होता है, चेंजेस नहीं आते उसमें।
एन, मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैंने एन की वैल्यू डिटरमाइन कर दी, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा, तो मतलब मैं उस ऑर्डर को जैसे बोला वैसे मेरा एन की वैल्यू भी फिक्स हो गई। एन कॉन्स्टेंट है, कैन कॉन्स्टेंट है, और ऊपर जो लिखी हुई टर्म है टू टू द पावर एन माइनस वन वो भी कॉन्स्टेंट है, और ए भी कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स माई टी हाफ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन माइनस वन। बात समझ में आ रही है? यहां पर वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कैन दैट इज योर रेट कॉन्स्टेंट, हमेशा और हमेशा अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंट रहता है nth ऑर्डर के लिए। एन दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर मैंने बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे को टी हाफ देखना है तो वहां पर भी जीरो दैट इज योर कॉन्स्टेंट, वन बोला दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट, सेकेंड ऑर्डर वो भी टू जो है वो भी कॉन्स्टेंट, मतलब एन की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है। तो कैन कॉन्स्टेंट, एन माइनस वन कॉन्स्टेंट, ये वाला वन दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट, ऊपर की टर्म में टू टू द पावर एन माइनस वन है दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट, दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन, मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो मेरी बात? कि कॉमन ऑर्डर हो चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, उनके लिए मेरा टी हाफ कैसे वेरी करता है? वन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब क्या होता है ना कि वो बोलता है कि ए वन कंसेंट्रेशन है उस जगह पर टी हाफ मेरा टी वन है, और ए टू कंसेंट्रेशन है वहां पर मेरा टी हाफ टी टू है। तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? मतलब अभी तक आपने देखा था जब पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें कहा कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर मेरा टी हाफ सेम आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर एन की जो वैल्यू है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो भी वेरी करवा रहा हूँ, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा? वहाँ पर ऑर्डर बनाया था क्योंकि मेरा टी हाफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन फॉर द अदर काइनेटिक्स, फॉर द अदर ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक्स वो फॉलो करता है। तो वो कह दे कि ए वन कंसेंट्रेशन पर टी हाफ टी वन है और ए टू कंसेंट्रेशन पर टी हाफ टी टू है, तो ऑर्डर क्या होगा? देखो कैसे करते हैं इसको, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए अपॉन एन माइनस वन के। तो जैसे कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसने बोला कि ए वन कंसेंट्रेशन पर टी हाफ जो है वो कितना है, जो टी हाफ है वो कितना है, टी वन है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि ए टू कंसेंट्रेशन पर जो टी हाफ है दैट इज टी टू, दैट इज टी टू, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो यहां पर, क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल योर टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स जो प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं मैं, तो जो बाकी की टर्म है वो कॉन्स्टेंट आने वाली है, और उस कॉन्स्टेंट को मैं सी से लिख रहा हूं, उस कॉन्स्टेंट को मैं सी से लिख रहा हूं अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन। बात समझ गए? आगे देखो, अब जब कंसेंट्रेशन ए वन थी तो टी हाफ टी वन था, तो क्या बोलोगे? एट ए वन कंसेंट्रेशन टी हाफ इज टी वन, एंड सिमिलरली यू कैन राइट दिस वन, एट ए टू कंसेंट्रेशन टी हाफ इज टी टू, टी हाफ इज टी टू। तो देखो आगे, तो इसको क्या लिखोगे? टी वन इज नथिंग बट, क्योंकि कॉन्स्टेंट सी है, अपॉन ए टू द ए माइनस वन टू द पावर माइन एन माइनस वन। टी टू कैसे लिखोगे? कंसेंट्रेशन अपॉन
ए टू द पावर एन माइनस वन। जब आप इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको इक्वेशन टू बोल दो, तो टू डिवाइडेड बाई वन करोगे तो टी टू अपॉन टी वन आएगा। क्या आएगा? टी टू अपॉन टी वन इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट घर चले जाएंगे तो क्या बचेगा? ए टू की पावर एन माइनस वन अपॉन ए वन की पावर एन माइनस वन। दोनों के पावर सेम है तो इसलिए साथ में ब्रैकेट लगा की पावर एन माइनस वन। दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या बचेगा? एल एन टी टू अपॉन टी वन इज नथिंग बट एल एन ए टू अपॉन ए वन के पावर एन माइनस वन। मैंने सुना पावर आगे आ जाती है, जैसे एल एन एम टू द पावर एन में एन एन उसको कैसे लिख सकते हो? एल एन एम टू द पावर एन को कैसे लिखोगे? एन एल एन एम, तो वैसे लिखोगे इसको, तो एन माइनस वन को आगे ले लो। तो यहां से आपके पास में ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगी? देखो एन माइनस वन इज नथिंग बट एन माइनस वन इज नथिंग बट वॉट, इसको डिवाइड कर दो इधर तो आएगा आपके पास में एल एन टी टू अपॉन टी वन अपॉन एल एन ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन। तो यहां से आपको एन की वैल्यू कितनी मिलेगी? वन को इधर की तरफ लेके जाओगे प्लस में आएगा, वन प्लस एल एन टी टू अपॉन टी वन अपॉन एल एन अपॉन एल एन ए टू अपॉन ए वन, दैट इज दिस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी, यहां पर ए टू की जगह ए वन आएगा, यहां पर जो टर्म लिखी मैंने, यहां पर ध्यान से देखो जल्दी से, यहां पर जो भी ए टू अपॉन ए वन है उसको रेसिप्रोकेट करना, क्योंकि रेसिप्रोकल है वो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको क्या लिखना है? ए वन अपॉन ए टू लिखना है, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू, इसको भी क्या लिखोगे? ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो टी हाफ है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? देखो ये रहा ए टू द पावर दिस वन, तो मेरे को टी हाफ अलग अलग कंसेंट्रेशन पर दे रखा हो तो मैं उसका ऑर्डर कैसे निकालूंगा? तो एन इज नथिंग बट वन प्लस एल एन टी टू अपॉन टी वन अपॉन एल एन ए वन अपॉन ए टू। बात समझ गए? तो यहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लिए भी पढ़ चुके हैं कि उसका इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे लिखोगे, उसका हाफ लाइफ टाइम कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें कवर हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11, 12, जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए कोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।